नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस विशेष नाम सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। नाम जप सत्संग में गत 50 दिनों से हम नाम साधना के विषय में विस्तार से जानकारी ले रहे हैं। इस सत्संग के कारण आप सभी की नाम साधना आरंभ हुई तथा वह अच्छे तरीके से चल रही है, ये आपके द्वारा भेजे गए प्रतिसाद और आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से हमें ध्यान में आ रहा है। इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। नाम जप का अगला चरण है सत्संग, अर्थात ये सत्संग हमें प्रतिदिन इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न हैं, वे हमें पूछ रहे हैं कि सनातन संस्था नाम जप सिखाती है, सत्संग के माध्यम से अध्यात्म पढ़ाती है, निशुल्क उपक्रमों के माध्यम से सनातन संस्था ये सब कार्य कर रही है, तो हमें सनातन संस्था के अध्यात्म प्रसार का कारण ये भी बताइए। दर्शकों की मांग का आदर करते हुए आज प्रथम ही हम इस विषय में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। अब हम नाम सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जाधव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जाधव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। अध्यात्म अनंत का शास्त्र है। सनातन संस्था अध्यात्म के प्रसार का छोटा सा प्रयास कर रही है। शिप्रा जी, इस कार्य के संदर्भ में जो प्रश्न आए हैं वो आज प्रधानता से हम देखेंगे। जी, दर्शकों ने पूछा है सनातन संस्था अनेक वर्षों से अध्यात्म के प्रसार का कार्य कर रही है, हाँ? इसके पीछे की प्रेरणा कौन है? अच्छा, अच्छा प्रश्न है। जी, बताता हूँ। जी, सनातन संस्था विगत 21 वर्षों से अध्यात्म प्रसार का कार्य अखंड कर रही है। यह केवल हमारे पूज्य गुरुदेव तथा सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी द्वारा दी गई सीख के कारण संभव हो पाया है। समाज सात्विक बने और आध्यात्मिक उन्नति करें, यही लगन परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के मन में है। आज सनातन संस्था के साधक अथवा संत इस कार्य में समर्पित हैं। यह केवल उनकी कृपा और आज्ञा का ही परिणाम है। प्राणियों का स्वभाव ही होता है दूसरों को सिखाना। हम सभी ने देखा है कि छोटी बच्ची अपनी गुड़िया को स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे सिखाती है। संत कबीर जी की चौपाई है, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, वृक्ष कबहू
नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धर्यो शरीर। इसका अर्थ है, जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार परमार्थ हेतु पुण्यात्मा जीव शरीर धारण करते हैं। इसलिए जितना ज्ञान हमारे पास है उतना ही धीरे धीरे दूसरों को सिखाएं। इस प्रकार अनेक लोगों को विद्वान बनाएं। उसी प्रकार से सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने साधकों को यह सिखाया है कि यदि आप अध्यात्म का असीखे तो वह अन्यों को बताएं। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस नाम सत्संग में जो जानकारी आपको मिलती है वो आप अपने परिचितों को बताकर अध्यात्म प्रसार की सेवा कर सकते हैं। जी सद्गुरु जाधव जी, नाम जप आरंभ करने वाले अनेक दर्शक जानना चाहते हैं कि सनातन संस्था का अध्यात्म प्रसार करने का उद्देश्य क्या है। अच्छा, बताता हूँ जी। पहला उद्देश्य बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अन्नदान, प्राणदान एवं विद्यादान इन सबसे श्रेष्ठ है धर्मदान। आज समाज धर्म से विमुख होता जा रहा है, इसलिए लोगों को धर्म की जानकारी देकर धर्म प्रसार करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। दूसरा उद्देश्य, अध्यात्म में भावार्थ समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अतः भावार्थ कैसे समझा जा सकता है ये सिखाना भी हमारा एक उद्देश्य है। भावार्थ समझे बिना पूरे जीवन किए गए किसी धर्म ग्रंथ का बारंबार पठन भी अर्थशून्य ही प्रमाणित होता है। एक बार एक व्यक्ति से कहा गया, बातें न करो, नाम जप करो। तो उसने पूछा, मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है, वहाँ मैं नहीं बोलूँगा तो प्रश्नों के उत्तर कैसे दूँगा? यहाँ बातें न करो का अर्थ था व्यर्थ बातें न करो। वह व्यक्ति इस भावार्थ को नहीं समझ पाया। इसलिए भावार्थ क्या है ये सिखाना आवश्यक है। तीसरा उद्देश्य बताता हूँ। जीवन भर स्वयं निर्धारित साधना करना, उदाहरण के लिए वेदाध्ययन, कुछ करोड़ नाम जप करना, गायत्री मंत्र के पुरस्चरण, किसी तीर्थ क्षेत्र की 30-40 पैदल यात्राएं इत्यादि करने पर भी अनेक लोग अध्यात्म में बहुत अल्प प्रगति करते हैं ऐसा दिखाई दिया है, क्योंकि वो साधना जो उन्होंने अपने मन से निर्धारित की है उनके लिए अनुचित हो सकती है। इसलिए लोगों को उचित साधना की जानकारी देना भी संस्था का उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य, समाज में अनेक लोग साधना करते हैं परंतु वे विचार नहीं करते कि साधना के अगले चरण में जाने के लिए साधना कैसे करनी है। अनेक वर्षों तक एक ही प्रकार की साधना करते रहने के कारण उनकी अवस्था कोल्लू के बैल के समान हो जाती है। व्यवहार के समान अध्यात्म में भी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना, दूसरी से
तीसरी में जाना, तत्पश्चात माध्यमिक पाठशाला एवं उसके आगे महाविद्यालय तथा अंत में स्नातक पदवीधर होना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही अध्यात्म में शीघ्र प्रगति होती है। समाज को चरण दर चरण आगे के स्तर की साधना सिखाने के लिए अध्यात्म प्रसार आवश्यक है। पांचवा उद्देश्य है, समाज के अनेक लोग पैसा, गाड़ी, बंगला ऐसे साधन होने पर भी सुखी नहीं है। विज्ञान द्वारा की गई भौतिक प्रगति के कारण सुख भोगने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु वे केवल तात्कालिक सुख देते हैं। केवल अध्यात्म ही सदैव टिकने वाला सुख अर्थात आनंद दे सकता है। विज्ञान ये आनंद नहीं दे सकता, इसलिए अध्यात्म ही आवश्यक है। वर्तमान में कोरोना के कारण जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उसके कारण यह भान कुछ लोगों को तो हुआ है, किंतु ये बात अब समाज के अनेक लोगों की समझ में नहीं आई है। ये समझाने के लिए अध्यात्म प्रसार आवश्यक है। छठवां उद्देश्य है, गुरुपद के लिए पात्र न होते हुए भी गुरुपद पर आसनस्थ होकर दूसरों का अनुचित मार्गदर्शन करने वाले अनेक ढोंगी गुरु हमने देखे हैं। इनके कारण अनेक साधकों की हानि होती है, जिससे अनेकों वर्ष की गई साधना व्यर्थ हो जाती है। हमारा प्रयास यह भी है कि साधक और समाज में साधना करने वाले लोगों की इस प्रकार हानि तो ना हो। सनातन संस्था जो अध्यात्म प्रसार कर रही है, उसके यही सारे उद्देश्य है। जी सदगुरु जाधव जी, आपके कथन से ध्यान में आया कि सनातन संस्था के जो अध्यात्म प्रसार की भूमिका है, हाँ, उसका विचार कितना व्यापक है। जी, समाज में अध्यात्म प्रसार करने की क्यों आवश्यकता है, यह समझाने हेतु मैं हाथी एवं छह अंधे वाली एक कथा बताना चाहूँगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में छह अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक हाथी के बारे में सुना था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे छूकर अनुभव तो कर सकते हैं ना। और फिर वे सभी वहां गए जहां हाथी था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी एक खंभे की तरह होता है, पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा। अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है, दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा। मैं बताता हूं, ये तो पेड़ के तने की तरह है, तीसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़ते हुए कहा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है, चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को बताया। नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है, पांचवे व्यक्ति ने
हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं, हाथी तो एक कड़े नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने हाथी के दांत को पकड़कर अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और स्वयं को सही साबित करने लग गए। उनका वाद विवाद बढ़ता गया और ऐसा लगने लगा मानो वे आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी उधर से एक बुद्धिमान व्यक्ति जा रहा था। वो रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? सभी अंधों ने उत्तर दिया, हम ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हाथी वास्तव में दिखता कैसा है। उसके उपरांत बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही हैं। अच्छा, ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वे सभी सच कह रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं, किंतु यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो किंतु उसका दूसरा पहलू भी होता है। अर्थात अन्य भी कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो सही हो। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए परंतु दूसरों की बात भी धैर्य रखकर सुननी चाहिए और कभी भी व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। आज समाज के अनेक लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार ईश्वर, अध्यात्म, साधना अथवा धर्म का अर्थ लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब गलत ही अर्थ लगा रहे हैं। यद्यपि कुछ लोगों के विचार संकीर्ण हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अध्यात्म के व्यापक अर्थों को समझाने की आवश्यकता होती है। सनातन संस्था के अध्यात्म प्रसार का यह भी एक उद्देश्य है। हम सब जानते हैं कि अध्यात्म में तात्विक जानकारी का महत्व 2% और प्रत्यक्ष कृति का महत्व 98% है। इसलिए मैं पुनः आवाहन करता हूँ कि आपने नाम साधना को जितना समझा है वो आप भी अध्यात्म प्रसार की सेवा के रूप में आपके परिजन, मित्र, पड़ोसी सबको बताने का प्रयास करें। अध्यात्म प्रसार भी साधना ही है। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले
निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प हो जाती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नामजप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, अब हम भगवान श्री कृष्ण जी का नामजप ऑडियो के माध्यम से करेंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत और सदगुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने यह सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपकी उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट करके नाम जप कर सकते हैं। नाम जप की अवधि संपन्न होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। आज भगवान की कृपा से संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। नाम जप आरंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता अथवा भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण होने दें और एकाग्रता से करवा लें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नाम जप की अवधि यहाँ पूर्ण होती है। आशा है आप सभी को हर दिन की तरह आज भी नाम जप करते समय आध्यात्मिक अनुभव अवश्य आए होंगे। आप हमें आपके ये अनुभव फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। यदि किसी को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ा हो तो वो भी आप हमें अवश्य बताइए। आपके द्वारा भेजी गई शंकाएं, अनुभूतियाँ, इनका विश्लेषण हम अगले सत्संगों में करते रहेंगे। यह जो नाम सत्संग है, इस नाम जप सत्संग के पश्चात सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाल संस्कार वर्ग या कार्यक्रम होता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी नाम सत्संग का पुनः प्रसारण शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक होता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद यह कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आप सभी से विनती है, इन सभी आध्यात्मिक ऑनलाइन कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग हमें मिल पाया, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य समाप्त होने के पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यहीं संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार, नमस्कार।